ओके गाइस, तो कोर सब्सक्राइबर के चेहरे पे मुझे पता भाई हल्की सी स्माइल आ गई होगी, क्योंकि हमने ये वाला चैनल हेडफोन से शुरू करा था और एक और हेडफोन की वीडियो, वो भी लगभग 1.5 साल के बाद। तो इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं और पूरी बात करते हैं इस हैमर के हेडफोन के बारे में। तो ये है हैमर का बैश मैक्स और ये लगभग हमने खरीदा है 2000 रुपए के आसपास। और इसकी बात करते हैं, सबसे पहले बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर भाई आपको सबसे पहले हेडफोन दिख जाएंगे, एक यूजर मैनुअल छोटा सा और टाइप सी केबल है और कुछ भी नहीं है। अब इसकी बात करते हैं तो हेडफोन्स कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो अप्रोच रखी गई है डिजाइन की, मुझे लगता है कि थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक और थोड़ी मॉडर्न रखी हुई है और यहाँ पर पहले से भाई बिल्कुल चेंज कर दिया है। हेडफोन्स पहले भी आते थे काफी सारे ब्रांड्स के, लेकिन हैमर के कुछ अलग डिजाइन रहती थी और पहले जो एक हेडफोन आता था ना वहां पर भी थोड़ी सी डिजाइन के अंदर काम कर रखा था, लेकिन यहाँ पर भाई बोलूंगा एक मॉडर्न अप्रोच और थोड़ा सा अलग लुक देने की कोशिश कर रखी है। ऊपर की तरफ आपको एक क्लोथिंग मिल जाती है, नीचे की तरफ आपको जो प्यू है ना वो मिल जाता है और यहाँ पर हैमर की ब्रांडिंग भी कर रखी है। साथ में अगर आप देखोगे ना भाई यहाँ पर कोई भी मेटल की जो स्ट्रिप है इसके अंदर नहीं डाली है, लेकिन आई थिंक जहां तक है वो अंदर डली हुई ताकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो स्ट्रांग हो सके। तो काफी ज्यादा मतलब आपको यहाँ पे रगेड मिल जाता है। और अगर आप देखोगे ना भाई ये पूरा ही प्लास्टिक के साथ आता है, जहां पर आपको ये ईयर कप्स है ना ये प्लास्टिक के साथ आते हैं। और अच्छी बात ये लगी कि ये टच कंट्रोल के साथ आते हैं, जहां पर आपको कोई फालतू के बटन्स नहीं है, बस एक बटन मिलता है इसके अंदर वो ऑन ऑफ के लिए बस काम में आने वाला है, बाकी सब यहाँ पर आपको गेस्चर सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। टाइप सी का एक इंटरफेस है और छोटे छोटे जो दो छेद है ना वो ईयर कप्स पे मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे भाई ईयर कप्स यहाँ पर राउंड शेप के अंदर है, ओवर ईयर हेडफोन है ये, और यहाँ पर इनकी कुशनिंग बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और जो मटेरियल यूज कर रखा है ना वो भी बढ़िया लगा मुझे। बाकी यहाँ पर भाई आपको 190 ग्राम के आसपास वेट मिल जाता है और हमने इसको भाई पहन के देख लेते हैं एक बारी। वैसे मैंने पहन के दिखा दिया है और कुछ ऐसी लुक आती है, बाकी यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो इस तरीके से लुक आने वाली है और मुझे ये कलर काफी पसंद था इसलिए मैंने बाय करा। बाकी दो कलर और आते हैं इसके अलावा, वो भी आप बाय कर सकते हो। तो पहनने के बाद भाई कंफर्टेबल है, कान पूरी तरह से ढक चुके हैं और हाँ ओवर ईयर सच में मतलब ये काम करता है उस हिसाब से। बाकी फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या फीचर ये डिलीवर करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 18 घंटे का बैटरी बैकअप है और मुझे लगता है कि भाई बैटरी बैकअप सच में थोड़ा सा कम है। आई थिंक 25-30 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप होना चाहिए। 500 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिल जाती है और यहाँ पर अगर बात करूं तो इसके अंदर ना आपको ब्लूटूथ 5.3 आता है, तो कनेक्टिविटी काफी फास्ट है। इवन ये ड्यूल कनेक्टिविटी के साथ आता है या फिर ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ, जहां पर आपके फोन और लैपटॉप के साथ ये पेयर हो जाता है और कनेक्ट भी हो जाता है। IPX3 की रेटिंग दे रखी है। अब मुझे पता नहीं लग रहा कि IPX7 से 5-6 अब 3 पे आ गए लोग, इतनी कम रेटिंग क्यों आ रही है ईयरबड्स और साथ में इस तरह के जो हेडफोन्स होते हैं। पहले भाई IPX7, 6, 5 रेटिंग तो आती आती थी, 4 भी आती थी, अब 3 पे आ गए ये लोग, आई डोंट नो भाई क्यों। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ना तो टच कंट्रोल जैसे मैंने बता दिया वो यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको 14 mm के ऑडियो ड्राइवर मिल जाते हैं इसके ईयर कप्स के अंदर। गेमिंग के अंदर कोई भी लेटेंसी का जो जिक्र है ना भाई इन्होंने बिल्कुल नहीं कर रखा है और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि गेमिंग का आउटपुट आता कैसा है ताकि आपको पता लग जाए अगर आप ब्लूटूथ से गेमिंग करना चाहते हो तो कैसा आउटपुट आएगा। बाकी बॉक्स के अंदर कोई भी यहाँ पर ऑक्स केबल नहीं थी, साथ में अगर ऑक्स केबल होती भी तो यहाँ पर कोई छेद नहीं था, तो भाई गेमिंग वैसे नहीं कर पाओगे आप। और इस तरह के जो हेडफोन्स होते हैं ज्यादातर भाई म्यूजिक के लिए यूज करते हैं लोग, लेकिन अगर आप कॉलिंग वगैरह के लिए यूज कर रहे हो, मीटिंग्स में यूज कर रहे हो, तो माइक्रोफोन का आउटपुट कैसा रहता है तो मैं दोनों का आउटपुट देता हूँ। समझ लो आप ऑफिस वगैरह बैठे हो या फिर इस कंडीशन में तो कैसा आउटपुट आएगा, और अगर आप रोड वगैरह पे चल रहे हो या फिर आउटडोर में हो तो कैसा आउटपुट आएगा, यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ। तो गाइस ये है इनडोर कंडीशन के अंदर भाई इस हेडफोन का माइक्रोफोन का आउटपुट। मैंने यहाँ पर एक कॉल प्लेस कर रखी है, जब भी आप मीटिंग में या फिर कहीं भी हो गए और आप इस तरीके से बात करोगे तो भाई ऐसा आउटपुट जाने वाला है शांत एरिया के अंदर। तो इसके बाद हम स्विच करते हैं आउटडोर के अंदर, वहां पर देखते हैं माइक्रोफोन का आउटपुट कैसा है। तो गाइस ये है इसका आउटडोर का माइक्रोफोन का आउटपुट और यहाँ पर मैंने एक कॉल प्लेस कर रखी है तो ऐसा कुछ आउटपुट आएगा जब भी आप आउटडोर में बात करोगे। अब देखो ये तो इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्डर है, लेकिन अगर अब मैं फोन का जो आउटपुट सुनाऊँ कितना शोर है और उसमें डिफरेंस देख लेना, तो मैं चुप हो जाता हूँ थोड़ी देर। तो आपको पता लग गया होगा भाई बैकग्राउंड में क्या नॉइज थी और इसने माइक्रोफोन में आउटपुट कैसा दिया। तो गाइस म्यूजिक आउटपुट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने भाई 2-3 तरह के गाने सुने, जहाँ पर हमने बीएस वाले, वोकल्स वाले या फिर पॉडकास्ट अगर आप सुन रहे हो तो कैसा आउटपुट आता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप वोकल्स यानी कि पॉडकास्ट की बात करते हो ना, वहाँ पर आपको वोकल्स क्वालिटी काफी क्रिस्प और क्लियर आएगी। साथ में यहाँ पर आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो जहाँ पर
बेस वगैरह ठीक है या फिर जो डिटेलिंग अगर आप सुनना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक लग जाएगा। मतलब जो बेस आउटपुट है ना वहां पर कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं है, जो म्यूजिक के अंदर है वही सुनाई देता है। अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई थंपिंग बेस आएगी या फिर डीप बेस आएगी, वो चीज यहाँ पर नहीं मिलेगी। और लाउडनेस की बात करूं तो काफी लोग को मतलब बहुत ज्यादा लाउड चाहिए होते हैं, तो 40mm के ऑडियो ड्राइवर इसके अंदर लगे हुए हैं और उनकी जो लाउडनेस है ना वो डिसेंट रखी गई है, बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं है और बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। और एक चीज और बताऊं, जब भी आप मतलब इस पे गाने सुनोगे या फिर म्यूजिक सुनोगे या फिर कॉलिंग पे बात करोगे तो हल्की सी साउंड लीक जाती है। एग्जाम्पल के लिए तो फुल वॉल्यूम पे जब आप सुनोगे ना तो भाई थोड़ा सा साउंड लीक होता है, अगर आप एकदम शांत इलाके में बैठे हो तो ये आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइस कंक्लूजन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी प्राइसिंग की और बात कर लेते हैं। भाई यहाँ पर जो प्राइसिंग मिली है ना वो आई थिंक 2200 रुपए के आसपास वैसे नॉर्मली रहेगी, लेकिन अगर आप सेल वगैरह में जैसे मैंने बाय करे थे तो भाई वहां पर लगभग 2000 रुपए थी और कार्ड वगैरह का ऑफर लगाने के बाद ये 1800 रुपए के पड़ रहे थे। तो भाई उसके हिसाब से बात करूं तो मुझे डिसेंट से लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। देखो बैटरी आउटपुट काफी कम कर दिया पहले से, और एक चीज और बता दूं, हेडफोन की जो प्राइसिंग है ना पहले से अब काफी बढ़ चुकी है, मतलब हेडफोन्स का क्रेज अब इतना नहीं लग रहा मुझे। और यहाँ पर भी ना 18 घंटे का बैटरी बैकअप है, जैसे यहाँ पर भाई टच कंट्रोल दे दिया है, यहाँ पर कोई भी ऑक्स केबल का सपोर्ट नहीं है, गेमिंग लेटेंसी नहीं है, IPX3 की रेटिंग दे रखी है। मुझे भाई समझ में नहीं आ रहा, डाउनग्रेड करते जा रहे हैं हेडफोन्स को, प्राइसिंग बढ़ा दी लेकिन फीचर उस हिसाब से नहीं बढ़ाए। हाँ यहाँ पर डिजाइन के अंदर जरूर काम कर रखा है, कंफर्टेबल है ये मैं बोल सकता हूँ। तो मेरी तरफ से देखो हाईली रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन अगर आपको डिजाइन लुक्स अगर कुछ ऐसा पसंद आता है तो आप ले सकते हो, लेकिन इस प्राइस के अंदर ना डेफिनेटली बोलूंगा भाई और भी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, जहां पर साउंड कोर वाला हेडफोन ज्यादा बढ़िया रहेगा या फिर बोट के काफी हेडफोन्स हैं या फिर कुछ और भी हेडफोन्स हैं जो हमने पास्ट में कर रखे हैं, वो जरूर देख लेना वीडियो। और ये वीडियो पर खत्म कर रहा हूं, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ इसके ऊपर आपको प्यार चाहिए तभी हम हेडफोन की जो सीरीज है ना दोबारा स्टार्ट कर पाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।